CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम दादाजी। इस कार्यक्रम में दादाजी बैठक और अहाते के बारे में बताएंगे। आलेख श्याम सिंह शशि का है, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो भाई सब तैयार हो जाओ, दादाजी आ रहे हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, आज जरा जोर से राम राम कहना। तो लो बातचीत करो अपने दादाजी से। अरे बच्चों, तुम तो बड़े मजे में बैठे हो आज। अच्छा अब सब मिलकर बोलो राम राम। राम राम दादाजी। राम 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 राम। प्यारे बच्चों, पहले एक गीत सब मिलकर गाते हैं, लेकिन पहले मैं फिर तुम सब, ठीक है ना? मेरी बैठक कितनी प्यारी। मेरी बैठक कितनी प्यारी। जिसमें आला और अलमारी। जिसमें आला और अलमारी। हम इनमें कपड़े भर देते। हम इनमें कपड़े भर देते। गुड्डे गुड़िया भी रख लेते। गुड्डे गुड़िया भी रख लेते। अरे भाई सब मिलकर बोलो ना, मेरी बैठक कितनी प्यारी। मेरी बैठक कितनी प्यारी। जिसमें आला और अलमारी। जिसमें आला और अलमारी। हम इनमें कपड़े भर देते। हम इनमें कपड़े भर देते। गुड्डे गुड़िया भी रख लेते। गुड्डे गुड़िया भी रख लेते। दादाजी बैठक आला अलमारी इनमें आप क्या रखवा रहे हैं, कुछ बताइए ना। अरे बच्चों, इसमें पूछने की क्या बात है? देखो ना, तुम अपने घर में सोते हो, दादाजी अपनी बैठक में सोते हैं, ये भी तो एक घर का हिस्सा होता है। हाँ, जब मन करे तुम भी वहाँ खेल सकते हो और सो भी सकते हो। वैसे बैठक में तो बैठते ही हैं। अच्छा अब बताओ, जहाँ तुम बैठे हो वहाँ दीवार में कोई आला दिखाई पड़ता है? अरे बोलो भाई, हाँ या नहीं? अरे बोलो। अरे बच्चों, आला तुम्हारे घर में होगा ही, बैठक की दीवारों में भी होता है आला। अच्छा तो मेरे साथ सब मिलकर बोलो, घर के अंदर बैठक। घर के अंदर बैठक। बैठक के अंदर आला। बैठक के अंदर आला। आले में रखी गुड़िया। आले में रखी गुड़िया। गुड़िया से खेले मुनिया। गुड़िया से खेले मुनिया। बच्चों, इस आले में तुम्हारी माँ कुछ चीजें रखती है, तुम्हारे खाने के लिए लड्डू भी कभी कभी रख देती है। दादाजी आपने अलमारी का नाम लिया था,
अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है, तुम्हें बताया तो था, इसमें हम कपड़े रखते हैं, चीजें रखते हैं, पर ये आले से बड़ी होती है। पक्के घरों में बहुत बड़ी बड़ी अलमारियां होती हैं। क्या होती हैं? अलमारियां। हाँ, अलमारियां होती हैं। और प्यारे बच्चों, कच्चे घरों में अलमारियां होती भी हैं और नहीं भी होती। अलमारी में चार पांच खाने भी होते हैं। क्या होते हैं? चार पांच खाने। हाँ, अलमारी में चार पांच खाने होते हैं जिनमें चीजें रखी जाती हैं। और हाँ प्यारे बच्चों, घरों में सामान रखने के लिए टांड भी होती है। क्या होती है? टांड। हाँ, अरे भाई, उस टांड पर छोटी बड़ी चीजें रख देते हैं। टांड दीवार पर टिकी होती है मगर वो खुली होती है। अच्छा तो बच्चों, सब मेरे साथ मिलकर बोलो, मीठी मीठी खांड होती। मीठी मीठी खांड होती। अरे भाई, सब जोर से बोलो ना, मीठी मीठी खांड होती। मीठी मीठी खांड होती। ऊंची ऊंची टांड होती। ऊंची ऊंची टांड होती। फिर बोलो, मीठी मीठी खांड होती। मीठी मीठी खांड होती। ऊंची ऊंची टांड होती। ऊंची ऊंची टांड होती। प्यारे बच्चों, खांड खाई है ना? अरे, खांड यानी शक्कर जो गन्ने से बनती है, मीठी मीठी सफेद रंग की, बोलो खाई है ना? हाँ, नहीं बताओगे? पर मुझे सब पता है। मैंने एक बच्चे को दालान में खांड खाते देख लिया था उस दिन। हाँ हाँ, दालान में। अरे, मेरी ओर क्या घूर रहे हो, दालान नहीं जानते क्या? अरे, कुछ लोग दालान में बैठते हैं। दालान में दरवाजा नहीं होता, ये भी एक तरह की बैठक होती है। क्या है? बैठक। हाँ, ये भी एक तरह की बैठक ही है, पर ये बैठक की तरह अलग नहीं होता। दालान घर के साथ जुड़ा होता है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब सब मिलकर गाओ। खूंटी से उतरा एक घोड़ा। खूंटी से उतरा एक घोड़ा। टिक टिक घोड़ा, टिक टिक घोड़ा। टिक टिक घोड़ा, टिक टिक घोड़ा। खूंटी से उतरा एक घोड़ा। खूंटी से उतरा एक घोड़ा। टिक टिक घोड़ा, टिक टिक घोड़ा। टिक टिक घोड़ा, टिक टिक घोड़ा। घर से निकला कहाँ पे पहुँचा। घर से निकला कहाँ पे पहुँचा। बोलो सब दालान में। बोलो सब दालान में। अरे बच्चों, तुम भी बोलो, बोलो बोलो, दालान में। दालान में। पूछो क्यों? क्यों? अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है। अरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा घोड़ा लड्डू थोड़े ही खाता है, वो तो लकड़ी का है। अरे वही तुम्हारा खिलौना है ना, उसे तुम खूंटी पर टांग देते हो। किस पर टांग देते हो? खूंटी पर। हाँ, ये खूंटी
छोटी सी लकड़ी होती है और ये दीवार में लगी होती है। इस पर तुम कपड़े भी टांग सकते हो। क्यों, टांग सकते हो ना? हाँ। कैसे टांग सकते हो? अरे हाथ उठाओ ना, सब हाथ उठाओ। हाँ, शाबाश, बस 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 बस, अब हाथ नीचे कर लो। हाँ, जब तुम खूंटी से घोड़ा उतार लो तो उसे घर में ज्यादा देर मत चलाना। अच्छा, तो मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे नन्हे मुन्ने बच्चों, कल पूछूंगा मैं सबसे कि किस किस ने दालान में घोड़ा चलाया। तो अब मैं चलूं। बच्चों राम राम। दादाजी राम राम। राम राम। दादाजी राम राम। ओए राम राम। दादाजी राम राम। ओए राम राम। दादाजी राम राम। तो लो दोस्तों, दादाजी तो चले गए, लेकिन हाँ, आज तुम्हें दादाजी ने बताया कि बैठक क्या होती है। आला, अलमारी, टांड और खूंटी के बारे में भी तो बताया। और अब जानते हो मैं तुम्हें क्या सुनाने वाला हूँ? दोस्तों, एक गाना। तो लो सुनो, तितली कितनी प्यारी है। तितली कितनी प्यारी है, रंगों भरी प्यारी है। इसे मसलना हाथों से ये कोई अच्छी बात नहीं, इसे मसलना हाथों से ये कोई अच्छी बात नहीं। हाँ, ये कोई अच्छी बात नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं। हाँ, ये कोई अच्छी बात नहीं, ओ ये कोई अच्छी बात नहीं। जो चू चू गाए चिड़िया, जो चू चू चिड़िया, जो चू चू गाए खुशियों से घर भर जाए। हाँ, चिड़िया जो चू चू गाए खुशियों से घर भर जाए। उसे मारना कंकर से ये कोई अच्छी बात नहीं, उसे मारना कंकर से ये कोई अच्छी बात नहीं। ये कोई अच्छी बात नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं। आ ये कोई अच्छी बात नहीं, ओ ये कोई अच्छी बात नहीं। अरे नरम मुलायम घास हरी, नरम मुलायम नरम मुलायम घास हरी, लगे बिछी मखमली दरी। नरम मुलायम घास हरी, लगे बिछी मखमली दरी। उसे रोंदना जूतों से ये कोई अच्छी बात नहीं, हाँ उसे रोंदना जूतों से ये कोई अच्छी बात नहीं। ये कोई अच्छी बात नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं, ओ ये कोई अच्छी बात नहीं। हाँ, ये कोई अच्छी बात नहीं। तो दोस्तों, तुमने सुना तितली कितनी प्यारी है, और अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। अब कहो जय हिंद। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।